ये इसकी कौन सी साइड हुई है? ये वाली साइड है। हाँ ये वाली साइड हुई है पेटी बाइक की। बिना हैंडल के बाइक कैसी लगती है जरा देखो तुम खुद। बिना हैंडल की बड़ी अजीब सी लग रही है। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज तुम सोच रहे हो कि बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। देखो रीज़न तो मैं बता दूँ तुम्हें, कुछ चेंज सा लग रहा होगा, हैंडल ना थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। हुआ कैसे, मेरा ना छोटा सा क्रैश हुआ था तो तुम्हें हैंडल देख रहे हो, एक इसका नुकसान हो गया है और ये जो देख रहे हो ये, और लेग गार्ड होता है वो भी, मतलब मान के चलो ये तीन चीज़ों, ग्रैप हैंडल, मतलब इन चीज़ों का नुकसान हो चुका है। अच्छा खासा मोटा खर्चा बन गया मेरी बाइक का। अब ये सब हुआ कैसे मैं तुम्हें ये भी चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली जब मैं बाइक लेके आ रहा था ना तो सीधे एक सीधी लाइन थी रोड की, और वहाँ पर क्या हुआ, एक बच्चा ना स्कूल वाला था वो रोड क्रॉस कर रहा था और वो बड़ी देर से भागा, और उसको उसके मतलब मेरी 60-70 स्पीड थी और उसको बचाने के चक्कर में बिल्कुल रोड में ऐसे आ गया। तो मतलब छोटे बच्चे होते कैसे हैं, उस चक्कर में उसको बचाने के चक्कर में ना बाइक सीधे मेरी क्रैश हो गई और इसका बड़ा ज़्यादा मोटा खर्चा बन चुका है। और अपना इसे सर्विस सेंटर लाया हूँ मैं क्योंकि मेरा सामान आ जाया है। तो तुम्हें मैं एक बार दिखा भी दूँ मेरी बाइक में क्या क्या खर्चा है, एक बार तुम्हें उतर के मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे तुम देख रहे हो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये देखो ये भी हो चुका है अच्छा खासा, ये रगड़ हो चुका है, ये चीज़ भी टूट चुकी है, मतलब देखो पूरी यहाँ से लेके ये क्रैश हुई है। और वो जो वो था ना लीवर का, वो मैंने उतार दी क्योंकि वो टूट गया यहाँ से थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ बस इतना सही है, और ये टायर सा ये भी थोड़ा रगड़ा था, मैं ये भी चेंज करवा दूँगा, और यही बस छोटी मोटी चीज़ें, और हैंडल टेढ़ा हो चुका है तो ये पार्ट इसमें नया लगेगा। तो बस बस यही सब करवाता हूँ और आपको भी दिखाऊँगा कि कितना इसमें कॉस्ट आएगा, कितना सर्विस बिल आएगा। और नहीं तो उसमें बाइक निकाली नहीं थी, 10 दिन बाद मैं आज बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखता हूँ कितना इसका एस्टिमेट बिल बनता है। ठीक है बाकी चलो यार, जो हो गया हो गया, क्योंकि बच्चे की भी क्या ही गलती लगाएं। चलो अब बेचारा दौड़ रहा था रोड पे, उसको बचाने के चक्कर में बाइक टूट गई, पर चलो कोई बात नहीं यार, जो ऊपर वाले ने लिखा होता तो वही है। बाकी इतनी छोटी चीज़ों का मैं इतना अफसोस नहीं करता, बेशक नई बाइक है, मुझे इतना अफसोस नहीं होता दूसरों की तरह कि घर बैठ जाऊँ भाई बाइक टूट गई। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अब इसे करवाते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि कितना इस सबका कॉस्ट लगता है। देख रहे बाइक महंगी हो गई पूरी यहाँ से, ये देख रहा हूँ ना, ये बाइक अभी भी खोल दिया ना मेरी बाइक महंगी हो गई लग रहा है। अच्छा ये कवर है जो उसका हो गया था खराब भाई, यार ये यहाँ से टूटा है देखना, ये जे नहीं हुआ, हो जाएगा ये भी हो जाएगा, उसी के साथ होता है लग होता है, ये लग मिलता भाई, ये लगना आएगा लगा। बिना हैंडल के बाइक कैसी लगती है जरा देखो तुम खुद। बिना हैंडल की बड़ी अजीब सी लग रही है, पर ऐसे लग भी अच्छी रही है मुझे। सारा कुछ खोल दिया भैया, ये वाली साइड हुई है पेटी बाइक की, ये कुछ इस तरह की, इस तरह से यहाँ से देखो मेरा साइड का पार्ट थोड़ा सा था और ये पूरा हो चुका क्रैश यहाँ से। तो ये भी जो पीछे ग्रैब हैंडल होता है पकड़ने वाला, तो ये भी चेंज ही करवा रहा हूँ सारा कुछ। टैंक कवर टूटा था तो तुम्हें ये दिखा दूँ, ये देखो ये रगड़ा था ना साइड पूरा, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है मैंने अभी इसका ना ये कवर सा उतारने लगा, तो मैं एक बार दिखाता हूँ ये चीज़। मैं ये निकाल रहा था और एक चीज़ हैरानगी की हो गई, ये देखो जो कवर निकाल रहा हूँ ये पूरा बीच में सिल्वर था, मुझे लगा ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ब्लैक का किया हुआ बीच में जगह छोड़ के, क्योंकि कंपनी ने पूरा स्टिकर ही इसमें नया लगाया हुआ है। तो अभी ना मुझे बाहर से ये लेने जाना पड़ रहा है, ये किस काम आएगा ये तो मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा। मतलब ये चीज़ें मुझे खुद से लानी पड़ रही है जो कि इनके पास तो होगा नहीं, इस सर्विस सेंटर के पास ना कुछ चीज़ें होती ही नहीं है कभी कभी अवेलेबल, अभी तो बड़ा कुछ जुगाड़ करके। जब तुमने देखा ना मशीन से जो वो कर रहे थे लोकेश भैया, वो कर रहे थे कुछ कट सा कर रहे थे जिसमें, तो वो लेग गार्ड का है क्योंकि लेग गार्ड का जो जब बाइक गिरी थी लेग गार्ड का जो स्क्रू है वो अंदर ही रह चुका फंस गया तो नहीं निकलेगा, उस हिसाब से लोकेश भैया से कट कर रहे हैं कुछ जुगाड़ करके, देखते हैं वो लेग गार्ड लगा देंगे। बाकी बार अब ये लगाएंगे उसे, ये लगेगा हैंडल में लेफ्ट साइड वाला जो हैंडल है, जब हैंडल निकाल देते हैं जो वो होता है ना ग्रिप, तो मैं यहाँ किसी बाइक की दिखा देता हूँ। ये देखो जैसे ये बाइक है तो ये जो ग्रिप होती है ये घूम रही है, तो इसको वहाँ पर ही लगाएंगे तो भैया अभी वहाँ पर, तो मैंने बाहर से तभी ये चीज़ लगाई है। तो ये चीज़ बता रहा था इसके बारे में, ये देखो ये घूम रहा है ना ये, तो इस पर फ्यूल लगाएंगे। फाइनली मेरा काम हो चुका है सर्विस सेंटर से, अब जा रहा हूँ वापस घर पर। फाइनली गाइस अपनी बाइक हो चुकी है ठीक, और टाइम बहुत ज़्यादा लग गया यार क्योंकि ना वहाँ पर रश भी इतना था। मुझे लगता है ना सर्विस सेंटर वाले काम करने वाले बंदे बहुत लेजी से हैं, मैं सही बताऊँ तुम्हें तो, क्या जो बंदा है ये एक दूसरे पे काम डाल देते हैं कि नहीं भाई तुम करो मैं करूँगा या तुम करोगे,
कुछ इसी तरह का सर्विस सेंटर है, कोई काम तुम करोगे या हम करेंगे, ऐसा ही हिसाब है इनका सर्विस सेंटर वालों का। एक चीज़ में तुम्हें और एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ, इसमें जो ब्रेक पैड्स थे वो भी चेंज हुए हैं इस बाइक के, क्योंकि भैया मुझे खुद बोलते कि वो होने वाले हैं ख़त्म तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ही एक बंदे ने चेंज कर दी, जबकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बाइक के चेंज हो गए। वो पीछे यार डिस्को लगा हुआ है, मैंने बोला यार क्या कर रहे हो, तो बोलता कि वो चेंज कर रहा हूँ। मैंने बोला तुम्हें बोला किसने कि चेंज करो, भाई पहले तुम कस्टमर से पूछ लो ना, देखो अगर मुझे चेंज करवाना तो मैं बोल दूंगा, नहीं करवाना तो नहीं। जबकि कस्टमर भी ये चीज़ देखता है कि यार हमारा बजट है इतना नहीं, क्या पता मैं उतना ही पाऊँ पैसे कि जिस हिसाब से मेरा बाइक का काम होना है, क्योंकि ठीक है ना मैं तो उस हिसाब से पैसे लेके आऊँगा जितना मेरे बाइक का काम होना है, इतना तो मुझे भी पता है, जब पहले भी एस्टीमेट मैंने पता किया था, तो बंदा तो उसी हिसाब से पैसे भी दे के आता है, लेकिन वो बंदा खुद ही मतलब सब कर रहा है। तो जो वहाँ के मैनेजर थे बड़े अच्छे थे, अनिरुद्ध भैया नाम उनका मैनेजर, तो उन्होंने अच्छी तरह मतलब उस बंदे को बोला कि बिना पूछे तुम कस्टमर से ऐसे चीज़ नहीं डाल सकते, ठीक है नहीं, अगर तुमने उनसे परमिशन ली तुम कैसे डाल रहे हो अपनी मर्जी से। तो उन्होंने अच्छी तरह ऐसे मेरा ट्रीट किया जो वहाँ के मैनेजर है मेन, तो ऐसी बात नहीं है कि एक्सपीरियंस ज़रा बुरा, देखो मैं इतना बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस ना 70% अच्छा भी था, 30% इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है KTM वालों को, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये अगर 30% और एक्सपीरियंस अच्छा कर देना अपना जो मतलब कस्टमर आएगा उसके रिलेटेड, तो फिर मतलब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इनके पास। साथ में पार्ट्स बहुत देर बाद आते हैं, ये चीज़ भी है इनके पास पार्ट्स बहुत देर बाद आए थे, इनके पास पार्ट्स अवेलेबल होते नहीं है, सबसे बड़ी बात ये भी है। तो यहाँ रुक के तो मैं अच्छी तरह मैं दिखा देता हूँ जो जो काम हुआ ना बाइक का, सबसे पहले तो उसका बिल भी दिखाऊंगा, और तो मैं सबसे पहले अच्छी तरह प्रॉपर बताता हूँ उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। तुम ये देख रहे हो ना जो ये वाला पार्ट है, इसमें बस ये वाला पार्ट चेंज हुआ है, ये वाला नहीं, जो तुम ये देख रहे हो ये वाला, अगर ये चेंज करना हो तो उसके साथ कवर भी चेंज होता है, और मेरा कवर ये फट गया था तो भैया ने दूसरा लिया वहाँ से, कोई पड़ा था उनके पहले का तो उन्होंने ये लगा दिया, वायर मेरी बच गई, मुझे मतलब वायर चेंज करने का खर्चा नहीं पड़ा। ये निकाला ये तुम जैसे कहो फेविस्टिक से, ये भी मैंने जोड़ा था वहाँ पर, भैया ने खुद ही दी गई है, मतलब घूम रहा था और यहाँ से जोड़ा, ये नया नहीं था उनके पास तो नहीं डाला। उसके बाद तुम देखोगे ये टैंक कवर ये वाला, तो ये भी डाला है, तो टैंक कवर का जो कॉस्ट है मैं तुम्हें वो भी बताऊँगा, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, तो ये सब कितने का सामान पड़ता है सारा टोटल, ठीक है। बाकी तो इस साइड वाला कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, बस इस साइड वाला ही हुआ है। तुम ये देख रहे हो ये जो कवर आता है इसका अपना क्या बोलते हैं रेडिएटर का, तो ये भी चेंज हुआ है, यहाँ से ये नया डाला है, और इसमें स्टिकर नहीं आता तो मैंने स्टिकर को पुराने वाले में से इसमें लगा दिया, ठीक है, ये चीज़ें चेंज हुई है। दूसरे नंबर तुम देखोगे ये वाला ग्रैब हैंडल देख रहे हो, बिल्कुल न्यू है ये तुम ग्रैब हैंडल देख रहे हो, यहाँ से साइड से तुमने देखा होगा जब मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था रिकॉर्ड हो चुका था, ये भी नया आया। उसके बाद साइड स्टैंड देखोगे तो साइड स्टैंड भी न्यू लगा दिया, थोड़ा सा ही था यहाँ से थोड़ा सा मतलब हुआ था, तो मैंने बोला यार साइड स्टैंड भी न्यू लगा देते हैं, तो वो भी न्यू लगा दिया। इस सब का जो मुझे कॉस्ट पड़ा मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। और उसके बाद तुम देखोगे ना मेन था हैंडल, हैंडल चेंज हुआ बाइक का, अब तुम्हें दिख रहा होगा बिल्कुल सीधा है, तो हैंडल मुझे खास फ़र्क लगा नहीं, बस ये है कि हाँ इतना जैसे वो था पहले इतना ही फ़र्क आता है। तो अगर हैंडल टेढ़ा हो गया तो ऐसे करोगे तो यहाँ से टच होगा, ठीक है, तो मैं बता दूँगा तुम्हारा हैंडल टेढ़ा है, तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ यहाँ पर जो उसका बिल है ना, तो मैं दिखा देता हूँ मैं समथिंग कितना मुझे पड़ा है। टैंक कवर का सबसे पहले मैं तुम्हें रेट बताऊँगा, टैंक स्पॉइलर आता है, टैंक सिल्वर मेटैलिक, ये जो है टैंक कवर ये मेरा आया 1344 रुपीज़ का, ठीक है, मतलब 1350 का समथिंग लगा दो, ये वाला आया 1350 का सिर्फ, ये प्लास्टिक का पार्ट ये वाला, अगर ये लग से होता है ये तुम्हारे इसके साथ नहीं होगा, मेरा यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर टूटा था, यहाँ पर ये तुम ब्रेक देख रहे थे यहाँ पर था पहले, तो ये चीज़ ये प्लास्टिक की ये 124 की है, मतलब 124 की ये वाली चीज़ आई है इस बाइक में। बाइक मेरी पीछे लगी है और जो सब जो सामान चेंज हुआ मतलब मैं सारा कुछ बता दिया, मेरी बाइक में जो भी सब चेंज हुआ ना मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताई है जो हर एक चीज़, तो इस समय जो टोटल मुझे कॉस्ट किया ना सब बैकग्राउंड को इग्नोर करना का जिससे मुझे टोटल कॉस्ट किया ना मेरी बाइक का, ये सारा सामान जो इसमें चेंज हुआ और ये ना बहुत बड़ा मुझे फटका लग चुका है। तो जो मैं तुम्हें बताऊँ इसका अराउंड मुझे कितना बिल पड़ा है, इसका जो मुझे अराउंड बिल पड़ा है वो मुझे पड़ा है 5500 कुछ 44 रुपीज़ को समथिंग पड़ा है। उसके बाद 110 रुपीज़ मुझे अलग से पड़े हैं जो कि इस चीज़ के हैं, तुम ये देख रहे हो ना ये वाला जो ये पार्ट है सिर्फ इसका, तो ये इंक्लूड नहीं किया था तब 110 रुपीज़ इसका पड़ा, मतलब 4500 मुझे कॉस्ट किया था बाइक का, ठीक है, जो पार्ट्स का, उसके बाद GST इंक्लूड लगा के बाकी 890 रुपीज़ समथिंग कुछ इसमें लेवल लगी है। ये सब चीज़ें मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, तुम ये चीज़ों पार देखोगे इतना महंगा है और ये लग सकता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा ही महंगा है, समझ लो मेरा 700 के समथिंग मेरे लग चुके हैं, ठीक है, 5700 मेरे लग चुके हैं इस बाइक को, जो ये सब इतना छोटा सा नुकसान होने के बाद ही, तो इतने छोटे से नुकसान होने के बाद ही मेरी बाइक में ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं, सोच लो तुम इतना छोटा सा नुकसान है। तो बाकी मैं क्या बोलूँ, जो ग्रैब हैंडल है पिछले तुम देख रहे हो ना ये भी 1000 का ही है, तो ये पार्ट देखोगे ये 1000 का है, 1000 सोचो इतना सा पार्ट भी 1000 का है। और जो तुम्हें नट बोल्ट देखोगे ये वाला नट बोल्ट बोल रहा हूँ ये जो आता है ग्रैब के साथ ये बार वाला, ये तुम देखोगे तो 90 रुपीज़ समथिंग कुछ पड़ता ही है। पार्ट्स बहुत महंगे हैं KTM के, पर वही बात है कि ब्रांड है तो इसलिए महंगे हैं, बाकी हेयर को इग्नोर करना यार, बाल हेलमेट में ऐसे हो जाते हैं, हेलमेट पहनोगे ना तो बाल तुम्हारे कुछ इस तरह के पागलों की तरह हो जाएंगे।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। फिर मिलते रहेंगे ऐसी कोई नई नई वीडियोस में। तिल दिन बाबा, टेक केयर।